एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एस्पायर में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के यूनिट को और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन स्टेशनरी फेज, सेनेसेंट फेज, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपोनेंशियल फेज। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक ट्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेलोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज, ऑप्शन बी लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज, ऑप्शन सी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज, ऑप्शन डी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज। तो इसका आंसर होगा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज, ऑप्शन ए। टोटल दो तरह के स्पीसीज हैं, एक आर सेलेक्टेड स्पीसीज और दूसरा के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर, वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग विच आर स्मॉल इन साइज, द ऑफ स्प्रिंग रिक्वायर्स लिटिल और नो पेरेंटल केयर एंड हैव हाई मोर्टेलिटी रेट। जिसका एग्जाम्पल हुआ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। के सेलेक्टेड स्पीसीज प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विच आर लार्ज इन साइज, द ऑफस्प्रिंग रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर एंड मैच्योर स्लोली। और इसका एग्जाम्पल है एलिफेंट, ह्यूमन। Select the statement which explain parasitism best. One organism is benefited, both organism are benefited, one organism is benefited, other affected. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, one organism is benefited, other affected. Parasitism का example हमें malarial parasite plasmodium में देखने को मिलता है। पैरासाइट जो है वो होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं बाय रिड्यूसिंग द सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ होस्ट। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ आर बेनिफिटेड, उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यूचुअलिज्म। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है और म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हमें लाइकेन में देखने को मिलता है। जैसे लाइकेन रिप्रेजेंट्स क्लोज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो एल्गी है वो खाना बनाती है। कंपटीशन, इसमें देख रहे हैं आप कि दोनों स्पीसीज जो है वो सफर कर रहे हैं। प्रीडेशन, इसमें एक को फायदा हो रहा है एक को घाटा हो रहा है, जिसका एग्जांपल हो गया टाइगर और डियर, जिसमें टाइगर को फायदा होता है और डियर को नुकसान। पैरासिटिज्म, इसमें भी एक को फायदा दूसरे को घाटा। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में आप देख रहे हैं एक स्पीसीज बेनिफिटेड होता है और दूसरे पर न्यूट्रल इफेक्ट होता है। एमिलिज्म में एक स्पीसीज हार्मफुल इफेक्ट होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इंक्लूजन वाज स्टेटेड बाय चार्ल्स डार्विन, जीएफ गॉस, मैक आर्थर, वेल हल्स एंड पर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीएफ गॉस। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और वो कंपटीशन कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, तब क्या होगा कि वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें जो इंफीरियर होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा और जो सुपीरियर वन होगा वो सर्वाइव करेगा। द फेनोमिनन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रॉड पैरासिटिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रॉड पैरासिटिज्म। द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इन लाइकेन इज पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, कंपटीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिम्बायोसिस। माइकोराइजा आर क्लोज म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, लीवर फ्लूक एंड ह्यूमन, नन ऑफ दिस।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट. एसिम्पटोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेंड व्हेन के इज इक्वल टू एन, व्हेन के इज ग्रेटर देन एन, व्हेन के इज लेस देन एन, द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेस जीरो. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, के इज इक्वल टू एन. कुछ पॉइंट देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए. लॉजिस्टिक ग्रोथ इसका इक्वेशन होता है dn by dt is equal to rn into k minus n by k, जहां पे dn by dt ये चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, और k कैरिंग कैपेसिटी है. तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स है वो लिमिटेड होता है, और इसमें जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करते हैं एक्सपोनेंशियली. और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम मॉडल ऑफ मोर रियलिस्टिक कहते हैं, मतलब ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये मोर रियलिस्टिक होता है. के क्या है? के जो है ये कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि एवरी इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और हैबिटेट हैज लिमिटेड रिसोर्स टू सपोर्ट अ पार्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट. लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लैग फेज है, मतलब स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन जो स्टार्ट हुआ बढ़ना, तो इस फेज को लैग फेज कहते हैं. इसके बाद क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन साइज है उसमें इंक्रीमेंट हुई, जिसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ फेज कहते हैं. यहां डिक्लेरेशन हुआ साइज ऑफ पॉपुलेशन में, और उसके बाद क्या हुआ कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो गया. मतलब हम कह सकते हैं अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्स, सो इनिशियली लैग फेज followed by phase of acceleration and declaration and finally asymptote when population reaches the carrying capacity. मतलब जब population है वो carrying capacity तक पहुंच जाएगा तब हम इसे asymptote कहेंगे. मतलब इसके बाद अगर population में increment होता है वो possible नहीं होगा, क्योंकि जब resource खत्म हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो लेयर है वो यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा. पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो है वेयरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. और इसका जो शेप है वो सिग्मोइड है, और ये मोर रियलिस्टिक. अब देखिए इसमें k इक्वल टू n अगर हम करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन में, तो ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, मतलब dn by dt is equal to zero. A biologist studied the population of rat in barn. He found that average natality was 250, average mortality 240, immigration 20, emigration 30. द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में वो बताना है क्या होगा. नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस
death rate plus emigration. अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं. बर्थ रेट मतलब नेटेलिटी, ये कितना है 250 प्लस इमिग्रेशन 20 माइनस डेथ रेट मोर्टेलिटी 240 प्लस इमिग्रेशन 30 इक्वल टू 0. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. इन अ पॉन्ड देयर वेयर 30 फ्रॉग्स. 25 मोर फ्रॉग्स वेयर बॉर्न इन अ ईयर व्हाइल 8 फ्रॉग्स डाइड. द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ फ्रॉग पॉपुलेशन आर. अब बर्थ रेट और डेथ रेट बताना है कि उस पॉन्ड में क्या होगा. बर्थ रेट इज इक्वल टू न्यू फ्रॉग बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग. न्यू फ्रॉग कितना है 25 बाय 30. जब इसे हम कट करेंगे तो ये होगा 0.83. डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ बाय टोटल नंबर ऑफ डॉग. तो डेथ कितना हुआ है 8. तो इसका आंसर होगा 0.83 एंड 0.26 ऑप्शन ए. Which of the following is wrong regarding the exponential growth? Option A, in exponential or geometric growth is common where resource, food plus space are unlimited. Exponential growth result, J shaped curve. Exponential growth equation, dN by dt is equal to RN. Exponential growth model is considered as more realistic one. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. क्योंकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो मोर रियलिस्टिक होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो इक्वेशन है वो है dN by dt is equal to RN और NT is equal to N naught e to the power RT. जहां पे ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम और एन नॉट ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम और आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइन इकोलॉजी, डेमेकोलॉजी, इको टाइप और टेकोलॉजी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेमेकोलॉजी.